सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 8448440632। नंबर एक बार फिर सुने 8448440632। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष लाइव फोन इन इंटरेक्शन सेशन में, और आपके साथ मैं याशु गांधी। जैसा कि आपको पता है, हमारे कार्यक्रम का नाम है सहयोग। सहयोग ताकि हम सब एक दूसरे का मिलकर इस तरीके से सहयोग दें, सहयोग करें, सबका शारीरिक और मानसिक न केवल विकास हो बल्कि एक साथ हम आगे बढ़ें और खुशहाल रहें। इसी श्रृंखला में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अ स्किल टू बी लर्न्ड। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, आइए आपका भी उनसे इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रैक्टिसिंग काउंसलर मिस शिरीन अहमद। मैम, गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू इन दिस सेशन। गुड इवनिंग। साथ ही हमारे साथ एनसीईआरटी आरआई भोपाल से डॉक्टर मंजू शर्मा जुड़ी हैं। मैम, गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जिस तरीके से कहते हैं कि जब हम किसी भी भाषा की बात करते हैं, किसी भी संवाद की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, कहते हैं कि अगर वो बहुत अच्छा है तो बहुत सारी लड़ाइयां शब्दों के माध्यम से ही जीती जा सकती हैं, और कई बार मौन के जरिए भी। लेकिन मौन तभी अच्छा है जब कम्युनिकेशन अच्छा है। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हम अपने पैनलिस्ट के पास चलें, उससे पहले आपको बता दें कि हमारे जो नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, आप उनके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी जो फीडबैक है या अपनी कोई भी बात हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, हमसे जुड़िए। साथ ही जो हमारा ईमेल एड्रेस है उसके माध्यम से भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले हम भाषा को लेकर जब बात करेंगे तो शिरीन मैम, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी कि जब भी तारतम्यता मस्तिष्क की भावनाओं की एक साथ होती है तो जो संवाद है वो बहुत बेहतर होता है। लेकिन इसके अलावा और किन किन चीजों की जरूरत होती है जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं? ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले जानने की हमें जरूरत है कि कम्युनिकेशन क्या है, ये क्या होता है। तो देखा जाए तो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एक ये होता है कि हमारी एबिलिटी, स्टूडेंट की एबिलिटी सुनने को लेके, तो लिसन एंड डिलीवर इंफॉर्मेशन क्लियर एंड एक्यूरेट वे। तो यहाँ पे हमें सुनना है और हमारी बात रखनी भी है क्लियरली और एक्यूरेट वे में रखनी है। हम कम्युनिकेशन क्या क्या फॉर्म में कर सकते हैं? कम्युनिकेशन रीडिंग में भी होता है जब हम रीड करके बताते हैं, राइटिंग में भी होता है जब हम लिख के बताते हैं, और बोल के भी होती है, स्पीकिंग स्किल्स भी होती है। तो ये तीनों चीजें होती है कम्युनिकेशन को लेके। लेकिन सिर्फ ये ही नहीं, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में हमें क्लैरिटी को भी ध्यान में रखना है कि हम किस टोन में बोल रहे हैं, कितना साफ बोल रहे हैं, और साथों साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है लिसनिंग, क्या हम बराबर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, हम ज्यादा सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं, बराबर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, हम कितना सुन रहे हैं, कितनी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और साथों साथ एम्पैथी, हमें सामने वाला इंसान क्या कह रहा है उसे हमें सुनना है और उसे ध्यान देना है, तो वो टाइम पे उसको बराबर से सुनना है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन। अब जब बात आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी
क्या पॉस्चर है, क्या लैंग्वेज है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या आई कॉन्टैक्ट है, कैसे हम कर रहे हैं और वर्बली हम किस पिच में, किस टोन में कैसे बात कर रहे हैं, ये सब हमें ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है जब हम हमारी बात रख रहे हैं बोल गुड रीडिंग में, राइटिंग में या स्पीकिंग में। तीनों चीजों में हम ये सारी चीजें ध्यान में रख रही है जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कुछ चीज। बिल्कुल, तो ये तीन बातें आपने बताई मैम, जिस तरीके से कि इनका ध्यान रखना है। डॉक्टर मंजू, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जब हम आज की जनरेशन की बात करते हैं तो हर एक लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, पीयर ग्रुप हो, कहीं पर भी हो, तो हमारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए कम्युनिकेशन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो उनको किस तरीके से इस चीज को आत्मसात करना चाहिए कि वो बनावटी भी ना लगे और बहुत ही सहजता के साथ उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बने। जी धन्यवाद, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है आपने। और मैं आज के समय में ये मानती हूँ कि ये एक ऐसा कोर्स है, ऐसा स्किल है जो कि वर्ल्ड में मोस्ट डिमांडेड भी है। हम मानते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ही आसान है, अक्सर व्यक्तियों से कहा जाता है कि कम्युनिकेशन करना तो कोई ऐसी कला नहीं है जिसको अलग से सीखा जाए। बच्चा बचपन से माँ बाप के संसर्ग में रहता है, फिर वो अपने सहपाठियों के संसर्ग में आता है, तो माना जाता है कि वो तो अपने आप ही सीख जाता है बोलना। तो फिर इसको एक स्किल क्यों माना जाए और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो एक टीचर होने के नाते या एक अभिभावक होने के नाते मैं ये कहूंगी कि ये एक ऐसी स्किल है जो अर्थ का नर्क भी बना सकते हैं। यानी कि आप जब इसका सही तरीके से शब्दों का प्रयोग नहीं करते, आप अच्छी तरीके से भाषा का प्रयोग नहीं करते, तो आपके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि उचित, जैसे कहना था, बचपन से सिखाया जाता है कि जो भी भाषा का प्रयोग करे वो उचित हो, वो शुद्ध हो और वो भावपूर्ण हो, यानी एम्पैथेटिक हो। Am I audible? बिल्कुल मैम, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है बिल्कुल। जी ठीक है, धन्यवाद। तो मेरा ये मानना है कि ये एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्किल है जिसका कि हम लोगों को, बच्चों को अभ्यास कक्षा में भी करवाना चाहिए, अपने परिवार में एक माता पिता होने के नाते करवाना चाहिए, एक साथ का हमारा जो पीयर ग्रुप होता है उसे भी करवाना चाहिए। अब क्यों करवाना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बहुत इस पूरे संसार में जितनी भी संधियां हुई, समय समय पर जितनी भी बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, जैसे G20 का शिखर सम्मेलन जब हमारे भारत में, तो भारत के नाम एक बहुत बड़ा क्रेडिट आया था कि ये वर्ल्ड में सबसे पहली ऐसी समिट हो रही है G20 की, जिसमें कि जो हस्ताक्षर जिसमें हर एक देश द्वारा कर दिए गए। तो आप क्या मानेंगे कि क्या इसमें संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं थी? मेरा मानना है कि यही एक चीज थी जिसकी वजह से हम सारे अलग अलग मतभेद को साइड में रखते हुए सभी राष्ट्रों को इस चीज के लिए सहमत करवा पाए कि पूरे संसार का हित जिसमें है उस पर हमें एकमत होना ही होगा। तो ये एक इतनी महत्वपूर्ण स्किल, तो जैसे स्किल शब्द जिसके आगे जुड़ जाता तब माना जाता है कि अभी से सीखना महत्वपूर्ण है, तो क्यों कौन से हम स्टेप्स उठाएं जिसकी वजह से हम सीख सके? तो मेरा मानना है कि जो जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो इस स्टेज का बिगनिंग में, स्टार्टिंग के 2 साल में बच्चा ठीक ठाक थोड़े बहुत शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। भाषा की शुद्धता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चा बहुत ही ज्यादा लर्निंग स्टेज में होता है, तो जितने ज्यादा आप उसको वोकैबुलरी एनरिच करवाते जाएंगे तो फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आते आते वो कम से कम भी 3500 यानी 3500 तक उसकी वोकैबुलरी आसानी से इंक्रीज हो जाती है। अब उसका एक सबसे अच्छा माध्यम, वैसे तो फोन देना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है जब बच्चा पढ़ाई कर ले और अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर ले तो आप उसे एक ऐसे एंटरटेनमेंट के सिस्टम पर भी बिठाए जिसकी वजह से वो भाषा को ऑटोमेटिकली भी सीख सके, वो ये जान सके कि और कौन से शब्द हैं या किस तरीके से हमें बोलना चाहिए। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी जी। बच्चों का प्रिय नाटक पेपा पिग जी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है जी, सारे बच्चों को अच्छा लगता है। तो मैंने भी निजी रूप से अनुभव किया कि जब कोविड का टाइम था तो जो कुछ बच्चे जिन्हें
हैं जिनके माता पिता ने उन्हें कोई भी कार्टून नेटवर्क देखने के लिए दिया, चाहे एक घंटे के लिए दें चाहे चार आधे घंटे के लिए दें, उन बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई कि ऑटोमेटिकली बिना सिखाए, माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती लेकिन बच्चे को आती है, ही शी कैन इजीली रिस्पॉन्ड। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी लिसनिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती चली गई, तो अनकॉन्शियसली उसने उस लैंग्वेज पर मास्टरी हासिल करता चला गया। और ये एक इसके ऊपर एक शानदार रिसर्च भी हुई है जिसमें ये पाया गया है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है क्या वो मल्टी कल्चरल या मल्टी लिंग्विस्टिक अप्रोच को हमें प्राप्त करने का एक अच्छा साधन सिद्ध हो सकता है? तो डेफिनेटली हो सकता है। तो इसको एक टीचर के परस्पेक्टिव मैं बताना चाहूंगी जी, हमारे पास चार तरीके के स्टेप आते हैं। पहला आता है इमर्सिव। इमर्सिव मतलब होता है कि आप सबसे पहले किसी भी भाषा को, किसी भी कम्युनिकेशन के स्किल को सीखना चाहें तो पहले आपके अंदर वो एक अर्ज होनी चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज को सीखना ही है, किसी भी चीज को सीखने की चाहत। चाहत, बिल्कुल सही, धन्यवाद। तो उसके लिए जब हमारे अंदर से इच्छा होती है कि हमें इस चीज में डूबना ही है, इस चीज को हमें करना ही है, तो फर्स्ट स्टेज होती है, दैट इज नोन एज इमर्शन। किसी भी कला में वो महत्वपूर्ण है और कोई भी कला आप सीखे तो उसमें आप शब्दों का चयन करेंगे करेंगे तो यानी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जिंदगी के हर पहलू में आपके साथ साथ चलेगी। दूसरा स्टेप होता है उसके बाद आउट ऑफ कम्फर्ट जोन निकलना, यानी कि आपको टॉपअप ग्रुप्स, एक टीचर क्या कर सकता है, क्लास में टॉपअप ग्रुप्स कहलाते हैं, रीडिंग बुक क्लब कहलाते हैं, जिसका कि उनको हिस्सा बना देता है। हिस्सा बनाने से क्या होता है, हिस्सा बनाने से क्या बच्चे को पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट मिलता है जिससे कि नेक्स्ट पर्सन आपसे उसी भाषा में इंटरेक्ट करता है। तो बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को चाहिए एनवायरनमेंट। अगर माँ बाप किसी वजह से ना दे पाए तो टीचर कैसे कर सकते हैं, टीचर एक उनको एक कम्युनिटी का, शॉर्ट कम्युनिटी का हिस्सा बना सकता है। वो एक शानदार बेहतरीन प्रयोग है जो कि मेरे ख्याल से हर लैंग्वेज टीचर को स्पेशली करना चाहिए। साथ में हमारे पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो भी सेल्स होते हैं वो हमारे साथ एसोसिएट होकर के काम करते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि जब करेक्शन हो आपका तो आप उसको किस तरीके से एम्पैथेटिकली ले, मतलब किस तरीके से आप उसको, बिल्कुल गाइडेंस और काउंसलिंग की, जी जी, आपका करेक्शन किया गया था क्यों किया गया जी मैम, गाइडेंस और काउंसलिंग की आपने साथ में नेक्स्ट जी मैम जी जी बताइए, गाइडेंस और काउंसलिंग की आपने बात कही। शिरीन मैम मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आमतौर पे हम दो तरीके की पर्सनालिटी देखते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो जब कम्युनिकेशन स्किल की बात आती है, बच्चे को जो एटमॉस्फेयर मिल रहा है, घर से मिल रहा है, पीयर ग्रुप से मिल रहा है, स्कूल से मिल रहा है, तो ये जो दोनों तरीके का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, इसके अकॉर्डिंग जब हम कम्युनिकेशन स्किल को सिखाते या समझाते हैं तो शायद वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। शीन मैम आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मुझे आपको, मुझे आपकी आवाज आ रही है। और जैसे कि आपने बताया कि हमें जब हम पर्सनालिटी को जब देखते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को भी देखते हैं पर्सनालिटी को, तो हमारे लिए बकायदा आसान हो जाता है कि मान लेते हैं कि अगर इंट्रोवर्ट इंसान है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, उसके लिए अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल को हमें अच्छी करनी है, हम उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, स्किल्स भी सिखानी है, तो अगर हम वो दो बच्चों को पेयर कर देते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को साथ में भी कर देते हैं, एक्सट्रोवर्ट उसका बडी बन के उसकी पर्सनालिटी को एनहांस करता है और उसे सिखाता भी है कि कैसे वो अपने कम्युनिकेशन को इंक्रीज करे, कैसे वो उसका लेवल अप इंक्रीज करे। यहाँ पे इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट दोनों पर्सनालिटी को मर्ज करके भी हम कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम मर्ज करके, घर में भी ऐसा होता है, सिबलिंग्स होते हैं अलग अलग नेचर के होते हैं, क्लास में भी ऐसा होता है, तो इसका ध्यान हमारे अभिभावकों को यानी हमें और हमारे शिक्षकों को, टीचर्स को, दोनों को रखना है। डॉक्टर मंजू मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी, आप अपना जो आप पॉइंट बता रहे थे उसे कंप्लीट करें प्लीज। जी अब मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूंगी। उसमें थर्ड स्टेप है जिसके लिए कि बड़ा फेमस एक एग्जांपल दिया जाता है
वो होता है, मतलब जैसे बहुत यंग जनरेशन बहुत आइडेंटिफाइज करती है बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को, अपने अपने फील्ड के एजुकेशनिस्ट को, तो सबको एक रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है क्लास में। रोल प्ले करते वक्त उनसे ये कहा जाता है कि सिर्फ आपको इस तरीके से आइडियलाइज नहीं करना, ताकि यू वांट टू अप्रिशिएट दैट और पर्टिकुलर पर्सन, बट आप ये मान करके चलिए कि आप वही व्यक्ति हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम बहुत फेवरेट है सारे स्कूल के बच्चों, उनके बहुत सारी अच्छी जो कोटेशंस हैं उनको अक्सर बच्चे बोलते हैं। तो जो हम टीचर्स करते आए हैं वो ये होता है कि जब हम सबको एक स्टूडेंट्स को रोल अलग अलग असाइन कर देते हैं, अब जब बच्चा उस रोल को प्ले करना स्टार्ट करता है तो उसी तरीके की वो यूज करना उसके लिए हम मैंडेटरी कर देते हैं टीचर्स के तौर पर। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के लिए एक नई लर्निंग का जोन क्रिएट होता है कि ठीक है नॉर्मल हम भाषा अभी जैसे हम आप और बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उसी तरीके से बच्चे अब जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी का फील्ड साइंटिफिक था, वो साइंस स्टडीज से थे, वो एक साइंटिस्ट थे, बच्चों को यही क्रिएट करके देते हैं कि आपको एटलीस्ट होमवर्क के तौर पर कम से कम भी आपको 20 वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो टिपिकली साइंस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हुए हो, और उस पर्टिकुलर वर्ड को आप किस सिचुएशन में कहाँ पर यूज करेंगे। तो हमने ये पाया समय के साथ में स्टडीज में कि बेहतरीन तरीके का बच्चा रोल प्ले करते हुए ऑटोमेटिकली उसके कम्युनिकेशन स्किल, उसकी बॉडी जेस्चर्स सब अपने आप इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रॉपर रिवॉर्ड। टीचर क्या करेगा, टीचर के लिए बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कुछ अच्छा बोलूं तो कुछ वाह वाह एक होनी चाहिए मेरी। बिल्कुल, ये व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि प्रोत्साहन आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए जी। अब जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उस दिन देखिए बच्चा जब मैडम के यहाँ से गुड लेकर के आता है तो उसे कैसा लगता है, आते के साथ वो टिप लंच अपने बाद में लेगा, घर आने के खाना लेकिन पहले वो ये बताएगा कि आज मैंने ये एक नई चीज सीखी और इसके लिए मैडम ने जो है बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया। तो मेरा मानना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हमें स्टूडेंट्स को सिखाना है, क्योंकि ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो स्पेशली हमारे 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को करते हुए डिस्कस किया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है कि उन लोगों को प्रॉपर तरीके का रिइंफोर्समेंट भी हम बच्चों को दें, ताकि उन्हें इस चीज का प्रोत्साहन मिले कि आज हमने 10 शब्द सीखे हैं तो कल 2 और एक्स्ट्रा सीखें, और साथ में जब हम रोल प्ले करते हैं तो उससे बच्चे की पर्सनालिटी के अलग आयाम भी क्रिएट होते हैं, ड्रामेटिक क्वालिटीज इंक्रीज होती है। जैसे अभी शीरिन मैम से कि इंट्रोवर्ट और एक्स्ट्रोवर्ट दोनों मिलकर के कैसे एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि एक्सट्रोवर्ट की जो क्वालिटीज अच्छी लगती है वो जिस तरीके का यूज करता है तो इंट्रोवर्ट सीखता है, और इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट क्या सीखता है कि हर मौके पर हर जगह बोलना जरूरी नहीं है। जरूरी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये हम सबको ज़हन में रखना चाहिए और हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी इम्पोर्टेंस हम आज कम्युनिकेशन की बात करें, बावजूद उसके ये कहना बहुत लाजमी होगा कि जितनी इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन की है उतनी इम्पोर्टेंस साइलेंस की भी है, मौन की भी अपनी भाषा होती है और संवाद की तो होती ही है। श्रीन मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि अभी हमने जैसे डॉक्टर मंजू ने बताया कि किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटीज हम करवा सकते हैं स्कूल में, टीचर्स करवा सकती हैं, जब बात घर की आती है, क्योंकि ये वो स्थान है जहां से किसी भी तरीके की, चाहे वो समाज की हो चाहे शिक्षा की हो, पहली नींव पड़ती है। तो अभिभावक के तौर पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा स्कूल से आया है या घर में है, कैसी भाषा बोल रहा है, किस वॉल्यूम, किस टोन, किस पिच में बात कर रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीजें डॉल्सन सेज में बहुत डिफरेंट तरीके से सामने आती हैं। तो एज एन पेरेंट्स किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है? ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब बात आती है कि जब एडोलेसेंट हमारे पास घर पे है, बच्चे अगर जब हमारे पास घर पे है तो उनकी कम्युनिकेशन को देखते हुए भी सबसे पहले तो यहाँ पे ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों के साथ रेगुलरली कम्युनिकेशन रखें। ये हमें एफर्ट डालना है और एक अटेम्प्ट रखना है कि हम रेगुलरली कम्युनिकेशन रखें उनके साथ, रेगुलरली बात करें, और हमें ये भी रखना है कि सेकेंडली कि हम उनकी बात को समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। काफी तौर पे ये होता है कि कभी कभी जब बच्चे कुछ शेयर करते हैं तो पेरेंट्स उन्हें सुनते नहीं है, निग्लेक्ट कर देते हैं,
या फिर अगर वो कोई काम में रहते हैं तो उनको ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा उन्हें समझते हुए और उनकी एज का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक एडोलेसेंस ऐसी ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चों को पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और पेशेंस लेवल भी बहुत कम होता है। बिल्कुल हाँ, बहुत होता है, फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं उनके बॉडी में, तो उनको कोई चाहिए होता है कि हम किसी से बात करें। तो यहाँ पे बॉडी एज अ पेरेंट्स को बॉडी बनते हुए उनकी कम्युनिकेशन, उनके साथ बात करनी है, उन्हें समझना है, एम्पैथेटिक होना है और साथों साथ उनके पास रहना है और उनको एक स्टेबिलिटी लानी है उनके और उनके बच्चों के रिलेशनशिप में। तो उनको समझते हुए एम्पैथेटिक वे में अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जहाँ पे मतलब उनके लिए होने के लिए, उनको एहसास दिलाने के लिए कि हम हैं, उन्हें समझने के लिए। और बात आती है जब पिच की, आपने कही कि हम लेते हैं कि कोई एडोलेसेंट बहुत हाई टोन में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर पेरेंट भी अगर हाई टोन में बात करेंगे और एडोलेसेंट भी हाई टोन में बात करेंगे तो यहाँ पे वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे समझना है एडोलेसेंट को भी कि पेरेंट को भी समझना है कि हम उस टाइम पे हमारी वॉइस रेज ना करें और उनसे बात करें जब वो शांत हो जाए तब। बिल्कुल, तो जी जी मैम जी। और हम एक और चीज बात कहना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन इसलिए ये तो ये ध्यान में रखते हुए भी आगे चलना है कि अगर उनकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी तो फिर बाद में उनके लिए बच्चों की कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, उनके करियर एडवांसमेंट्स होंगी। कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो उनके करियर एडवांसमेंट्स भी होंगे, काफी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहोगी तो बिल्कुल जीवन के हर एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए एक गुड कम्युनिकेटर बनना। इसी के साथ समय की कमी में चाहूंगी कि डॉक्टर मंजू आपकी तरफ से भी एक इस पूरे टॉपिक, इस पूरे विषय पे एक कंक्लूडिंग रिमार्क फॉर द पेरेंट्स, फॉर द टीचर एंड हमारे बच्चों के लिए भी। सबसे पहले बच्चों से शुरू करते हैं क्योंकि बिल्कुल ये हमारे लिए आधार बिंदु है जी। तो मैं यही चाहूंगी कि बहुत जरूरी है कि सिर्फ बच्चे ही ना सीखे, माँ बाप भी सीखे जी, वो भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स को देखे। टेक टॉक्स बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है। मेरा ये मानना है कि विषय जो गंभीर है उन्हें हटाते हुए जो उनके उम्र के हिसाब से रिलेवेंट जो टॉपिक आते हैं वो जरूर जरूर दिखाएं और साथ में पेरेंट्स साथ बैठ करके देखें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि पेरेंट्स की लर्निंग खत्म हो चुकी है और वो अपने आप में परफेक्ट है। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ लर्निंग। तो मेरा ये मानना है करके हमें काम करने की जरूरत है, टीचर्स को भी अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है, लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स जो भी आ रहे हैं जी, इन्हीं के हर स्तर पर सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समय की कमी है, माफी चाहूंगी बीच में रोकना पड़ेगा। डॉक्टर मंजू, शिरीन मैम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर अपने विचार साझा किए, शेयर किए हमारे जो भी अभिभावक के कार्यक्रम देख रहे हैं, जो शिक्षक देख रहे हैं और जो बच्चे देख रहे हैं। तो एक खास बात वो ये कि हमें बहुत अच्छा, जब तक हम श्रोता अच्छे नहीं होंगे वक्ता अच्छे नहीं बनेंगे, जब तक अच्छे से पेशेंसली कामली एज एन पेरेंट्स, एज एन टीचर और एज एन स्टूडेंट, जब तक हम अच्छे से सुनेंगे नहीं कामली पेशेंसली, हम अच्छा बोल नहीं पाएंगे। तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही जो बोलिए क्लैरिटी के साथ बोलिए, अपने वॉल्यूम टोन और पिच का ध्यान रखिए और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ब्रेन एंड योर माउथ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब इन दोनों के बीच में तारतम्यता होती है तो संवाद सीधा, स्पष्ट और मनमोहक होता है। इसी के साथ प्रसन्न रहिए, सब कुछ अपने आप अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिए और अभी के लिए इस सेशन में इतना ही। नमस्कार। सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632।
0632। और मैं मारती हूँ।